पवन सिंह का दिन हो गया है खराब क्योंकि अब वो ले रहे हैं संन्यास। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, पवन सिंह खुद बोल रहे हैं और साथ में उनके चाहने वाले ऑडियंस ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह अब संन्यास ले रहे हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ना, 100% यकीन में नहीं बदल गया तो फिर आप मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है टोनी आर्यन और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एडवेंचर हब। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि पवन सिंह का दिन हो गया है खराब और वो संन्यास लेने वाले हैं, तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, पवन सिंह पेशे से एक सिंगर है, एक्टर है और बहुत ही बेहतरीन इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहा गया है ना कि उनकी पहचान किस चीजों से हुई है, सिंपल सी बात है, सिंगिंग से हुई है, एक्टिंग से हुई है और भोजपुरी इंडस्ट्री से हुई है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पवन सिंह पेशे से सिंगर है और इस सावन में ना जाने कितना गाना वो गा दिए और साथ में गाए हैं खेसारी लाल यादव भी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि पवन सिंह को पावर स्टार बोला जाता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में नंबर वन सिंगर बोला जाता है, उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि वो गाते बहुत जबरदस्त हैं और बोलते भी बहुत ही जबरदस्त है, इसी वजह से उनको पावर स्टार बोला जाता है। और कहा गया है ना भाई मेरे कि जब वो गा देते हैं तो बढ़िया बढ़िया लोग सुनने के लिए दीवाने हो जाते हैं और उनका कंपेयर करने के लिए सोचते हैं। लेकिन पवन सिंह का जो आवाज है, वॉइस है, वाकई में जादू है। लेकिन ये जादू किस काम का, जब अपनी जादुई आपकी सिंगिंग मतलब कोई सुनने वाला नहीं है और ना कोई देखने वाला है, उससे तो बेहतर ये है कि खेसारी लाल यादव सप्ताह में 3 गाना निकालते हैं और तीनों हिट हो जाता है, उनका गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है और आज के डेट में 3-3 गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में जा रहा है, वो भी खेसारी लाल यादव का गाना। इससे साफ पता चलता है कि अगर पावर स्टार बोला जाए तो खेसारी लाल यादव को बोला जाए। सिंपल सी लॉजिक है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। पावर स्टार यू ही नहीं आपको बोला जाता है, पावर स्टार मतलब आप जिस फील्ड में है ना उस फील्ड में आप झंडा गाड़ दिए हैं, लेकिन वो झंडा दिख ही नहीं रहा है भाई मेरे। आज से 2 दिन पहले आपका एक गाना आया था, मतलब पवन सिंह का गाना आया था बोलबम का, मात्र 1.8 मिलियन व्यूज गया है, जो कि अभी तक का सबसे कम व्यूज वाला ये गाना है। और उससे भी बड़ी बात यह कि पवन सिंह कम से कम 15-17 दिन के बाद ये गाना लाए हैं यूट्यूब पे। इससे साफ पता चलता है कि 15-17 दिन होने के बावजूद भी अगर 1.8 मिलियंस व्यूज है तो इससे साफ पता चलता है कि आपकी स्टारडम, आपकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल से खत्म होते जा रही है। और इसी वजह से मैं ये बोला हूं कि पवन सिंह हो रहे हैं परेशान क्योंकि अब वो लेने वाले हैं संन्यास। संन्यास तो जाहिर सी बात है, जिस चीज में आपकी पकड़ है, जिस चीज में आपकी पहचान है, वो पहचान अगर खो दीजिएगा तो जाहिर सी बात है उससे बेहतर है कि आप संन्यास ले लीजिए। पावर स्टार, पब्लिक लोग आपको नाम दिए हैं पावर स्टार, पावर स्टार का मतलब आपको पता है बहुत बड़ा बात है। लेकिन जितने भी आपके चाहने वाले लोग हैं इस सावन में पूरी तरीके से ना खुश हुए हैं आपके गायकी के वजह से, आपके एक्टिंग के वजह से। सच बात तो यह है कि आपके जो यूट्यूबर्स हैं, जो आपके चाहने वाले यूट्यूबर्स हैं, वो भी आपके अंगेस्ट वीडियो बना रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पवन सिंह का स्टारडम, पवन सिंह इस सावन में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि खेसारी लाल यादव को दिया जाएगा क्योंकि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरी तरीके से झंडा गाड़े हुए हैं और एक साथ 3-3 गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड वाले भी देख करके हैरान हो रहे होंगे कि एक सिंगर 3-3 गाना को कैसे ट्रेंड करवा सकता है। इससे साफ पता चलता है कि खेसारी लाल यादव पे पूरा भोजपुरी समाज प्राउड कर रहा है, फक्र कर रहा है। अब तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं ये वीडियो बना करके ये बोला हूं कि पवन सिंह हो रहे हैं परेशान क्योंकि वो ले रहे हैं संन्यास, तो इसमें कितना परसेंट सच्चाई है? अगर आप लोगों को सच्चाई जरा सा भी लगता होगा, अगर आप लोगों को लगता होगा कि इस सावन में पवन सिंह पूरी तरीके से फेल हुए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट डालता हूं और
जो फैक्ट होता है, जो सच होता है, वही दिखाने का कोशिश करता हूं। सिंपल सी बात है कि ना मैं किसी का विरोधी हूं और ना मैं किसी का समर्थक हूं। मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूं और आप लोगों के सामने फैक्ट रखने का कोशिश करता हूं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। रत्ती भर भी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। जय हिंद।